अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात करेंगे उस मौजू के हवाले से जो हर नज़र का जो है वो मरकज़ बना हुआ है, और बात सिर्फ यहाँ पर क्रिकेट की नहीं है बल्कि बात है यहाँ पर एक क्रिकेट के सबसे बड़े ईट के सबसे बड़े इवेंट की, PSL एडिशन 4 के हवाले से बात करूँगा मैं, क्योंकि इस वक्त सबकी नज़रें PSL के ऊपर हैं। बीच में थोड़ा सा हुआ था, पड़ोसी मुल्क की तरफ से जारियत की गई थी, बहुत सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन हमने बड़े अच्छी तरह से जवाब दिया और हम बड़ा सुकून से दोबारा से ट्रैक पर आ चुके हैं और हम बड़ी खुशी से PSL देख रहे थे। दोबारा से PSL की तरफ हम वापस आ चुके हैं और PSL के हवाले से मैं बात करूं तो अब शुरू होने वाले हैं कराची के अंदर मैचेस, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर लाहौर में जो 3 मैचेस होने थे उसका भी अप्रूवल दे दिया गया है कराची में। अब कराची में 8 मैचेस होने जा रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी प्लान्स हैं, ट्रैफिक के हवाले से जो कवानीन हैं, मुतबादिल रूट्स हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, फिर जहां पर मैचेस हो रहे हैं वहां पर जो इंतजाम हो रहे हैं, तमाम चीजों को जानेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि कराची में जिस तरह से डेवलपमेंट के कामों में तेजी आई है और क्रिकेट के हवाले से मैंने देखा स्टेडियम रोड के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर जो क्रिकेट के हवाले से मुख्तलिफ पोस्टर्स लगे हुए हैं, PSL के हवाले से वेलकम क्रिकेट के हवाले से जो बोर्ड लगे हुए हैं, बड़ा जबरदस्त एक जो है वो सिनेरियो हो चुका है। इसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज रफीक अंसारी। रफीक, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताएं कि इस वक्त कराची के अंदर कहा गया है कि तमाम मैचेस कराची में होंगे, फाइनल भी कराची में होना था, 3 मैचेस जो लाहौर के थे वो मुंतकिल कर दिए गए हैं, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? रफीक, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आई थिंक दोबारा कोशिश करेंगे रابطہ करने की, लेकिन मामलात इस वक्त ये हैं कि ICC ने पाकिस्तान में जो इंतजाम है सिक्योरिटी के हवाले से उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। टीम भी कराची आ रही है और पाकिस्तान में इस हवाले से जो जितनी भी चीज़ें जितनी भी स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं उसके हवाले से भी जायजा लेगी कि कैसा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी हैं सब ने ये कहा है कि हम कराची में आकर मैचेस खेलेंगे। अब जिस तरह से चौथा एडिशन है, पहला एडिशन शुरू हुआ था तो इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो लोग कह रहे थे कि ये नहीं चल सकेगा क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स पहले से मौजूद थे। नाम नहीं लेना चाहूँगा, पड़ोसी मुल्क का भी एक इवेंट है बहुत बड़ा, लेकिन शायद हमने अब चौथे इवेंट के अंदर उसको भी क्रॉस कर दिया है। और जिस तरह से हमारे इस इवेंट के अंदर गैर मुल्की खिलाड़ियों की जो तादाद बढ़ती जा रही है वो भी सबसे अच्छा जो है वो एक तरह से कम बैक हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में। और अब 8 मैचेस जो कराची में होने हैं, एक थोड़ा सा मुझे अफसोस ये हुआ लाहौर के हवाले से, पहले तो पूरा पाकिस्तान जो है वो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से क्रिकेट को फ़रोग दिया जा रहा है, लेकिन लाहौर में 3 मैचेस होने थे, वहाँ पर लोगों में थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया गया कि भाई हम यहाँ पर तैयार बैठे थे कि हम मैचेस देखेंगे लाहौर में, वो मुंतकिल कर दिए गए, लेकिन उनके जो उन्होंने टिकट्स खरीदे हैं वो रिफंड कर दिया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से और कराची में तमाम मैचेस मुंतकिल कर दिए गए। दोबारा से रब्ता करेंगे रफीक अंसारी, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। रफीक, ये बताइएगा कराची में अब तमाम मैचेस होने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या फैसला किया गया है, सिक्योरिटी के हवाले से क्या मामलात हैं, तमाम चीजों पर जरा सा डिस्कशन कीजिएगा। फिलहाल ये बताता चलूं कि कराची नेक्स्ट स्टेडियम में 8 मैच खेले जाएंगे और ये लाहौर के अंदर जो मैच होने थे वो तकरीबन खर्चात की वजह से, पाक भारत कशीदगी की वजह से ये मैच मुंतकिल कराची किया गया है। और ये भी बताता चलूं कि सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े सख्त किए गए हैं, तकरीबन रेंजर्स जो है वो कराची नेशनल स्टेडियम में मैच के दौरान होगी और तकरीबन पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो स्टेडियम से बाहर होगी। तकरीबन 30,000 से ज्यादा तमाशाई पहले रोज मैच देखने आएंगे कराची और पिशावर गर्मी के दरमियान 9 तारीख को, और इसी तरीके से 10 तारीख को 2 मैच रखे गए हैं। कराची के अंदर इस वक्त ये एक समा बना हुआ है और शायकी ने क्रिकेट बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि आपने कहा कि लाहौर के हवाले से तो लाहौर के अंदर जो पाक भारत कशीदगी की वजह से ये मैच मुंतकिल कराची किए गए हैं। तो और आइंदा होने वाले जो मैचेज हैं PSL 5 के या दीगर जो टीमें आएंगी तो मामूल के मुताबिक लाहौर में ही अपने मैच
کھیلیں گی. جی اچھا سیکیورٹی پلان کیا ہے اس وقت, کیونکہ سی ایم سندھ نے کہا تھا کہ اس بار جو روٹس ہیں وہ متبادل روٹس نہیں ہوں گے کیونکہ سڑکیں بند نہیں کی جائیں گی. ہاں بلال, کوئی سڑک جیسے پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن کے اندر جو صورت حال تھی ویسے ہی پلان رکھا گیا ہے, کیونکہ بیت المقدم کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اور وہیں جو ہے پارکنگ کا انتظام کیا گیا. اسی طریقے سے مختلف مقامات, تین مقامات ہیں, حکیم سعید گراؤنڈ ہے اس میں رکھا گیا ہے یونیورسٹی روڈ پر, تو سرکار کے بہترین انتظامات کے ساتھ شائقین کرکٹ کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے. جی اچھا, یہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو اس وقت پی ایس ایل کا حصہ ہیں اور اب کراچی کی باری آ رہی ہے, کراچی آنے کے لیے کتنے انٹرنیشنل پلیئرز راضی ہو چکے ہیں؟ دیکھیے, پی سی بی کی مشاورت کے بعد اور فرینچائز کی مشاورت کے بعد تمام کھلاڑیوں سے پی ایس ایل کے حوالے سے مشاورت کی گئی, اور جب تمام کھلاڑیوں نے پاکستان آنے کا جب ارادہ کر لیا اور انہیں اپنے فرینچائز کو بتا دیا کہ ہم پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں, تو اس حوالے سے بھی تمام میچ جو ہے وہ کراچی کی طرف رکھے گئے. جی اچھا, لاہور میں جو میچز ہونے تھے وہ کراچی منتقل ہو گئے, تو اس حوالے سے بریف کر دیا لوگوں کو کہ جو ٹکٹس خرید چکے تھے ان کو واپس ریفنڈ کر دیا جائے گا تمام چیزیں؟ جی جی, پی سی بی کا یہ بار بار اعلان ہو رہا ہے جی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو لاہور میں ٹی سی ایس کے ذریعے جو ٹکٹس دیے گئے تھے یا آن لائن فروخت ہوئے تھے, تو انہیں ان کے گھر کے اوپر ہی چونکہ شناختی کارڈ کے نمبر ان کے پاس موجود ہیں اور شناختی کارڈ کے ذریعے نمبر کے ذریعے وہ ان جو شائقین کرکٹ نے ٹکٹ لیے تھے وہ ان کے گھر تک پیسے پہنچ جائیں گے. اچھا, میں یہ دیکھ رہا تھا کراچی میں آج جاتے ہوئے سڑکوں پر میری نظر جب پڑی تو بڑا خوبصورتی سے سجایا گیا ہے, لائٹس لگی ہوئی ہیں, پوسٹر لگے ہوئے ہیں, غیر ملکی کھلاڑیوں کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں, خاص طور پر جو کیپٹنز ہیں ٹیم کے ان کے پوسٹرز بھی لگے ہیں. عوام کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ آئی تھنک رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. بہرحال بریف کیا رفیق انصاری نے اس حوالے سے کہ جو میچز لاہور میں ہونے تھے وہ کراچی منتقل کر دیے گئے ہیں, ریفنڈ ہو جائیں گے تمام لاہوریوں کو ان کے پیسے اور گھر پر پہنچ جائیں گے, شناختی کارڈ سے یہ تمام چیزیں کی جائیں گی. اب کراچی کے اندر جو معاملات ہیں, آٹھ میچز بتائے جا رہے ہیں کہ میچز ہیں آٹھ, اور سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تمام چیزیں واضح کر دی گئی ہیں, اور سی ایم سندھ نے یہ کہا ہے کہ اس بار, پچھلی بار شکایت یہ تھی لوگوں کو کہ جس دن میچ ہوتا تھا تو وہ متبادل روٹس دے دیے جاتے تھے, سڑکیں بند کر دی جاتی تھی, کنٹینرز لگا دی جاتے تھے, اس بار ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تمام چیزیں مطمئن ہو چکے ہیں تمام ادارے, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب تک جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمام انٹرنیشنل پلیئرز ہیں یہاں پر کھیلنے آ رہے ہیں, اور تمام انٹرنیشنل پلیئرز نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں توفیق ترمذی صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ بتائیں, بینگ اے اسپورٹس اینالسٹ, اس وقت پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ دوبارہ سے بحال ہو چکی ہے, انٹرنیشنل پلیئرز جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انٹرنیشنل پلیئرز نے کہا ہے کہ ہم کراچی میں آئیں گے, پاکستان میں کھیلنا چاہتے ہیں, کیسا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں, ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ پیپر پہ لیا ہے, اور دوسری یہ کہ دیکھیں پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس وقت یقینی طور پہ کچھ پرابلم میں تھی, اور پچھلے دو تین سال سے پاکستان کی جو کرکٹ چل رہی تھی اس میں کافی پرابلم آ رہی تھی, لیکن اب ڈے بائی ڈے اور پھر یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طریقے سے پاکستان نے کام کیا ہے, خاص طور پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے, اور یہ پی ایس ایل کی وجہ سے پاکستان کی ایک تو کافی حد تک وہ کہنا چاہیے کہ جو پرابلم تھی وہ سالو ہوئی ہے. پھر یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے پی ایس ایل کو سٹارٹ کیا ہے, ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑی اسٹرانگ ہوئی ہے, اور جو لوگ نہیں آ پا رہے تھے, جو انٹرنیشنل پلیئر نہیں آ رہے تھے, پہلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا پہلا سیشن بڑی پرابلم میں تھا جی, پھر دوسرے سیشن میں کچھ پلیئر آئے, پھر اس کے بعد اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چوتھا سیشن ہے اس میں پاکستان نے کافی حد تک امپروو کیا, اور پاکستان کے آٹھ میچز جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں, تو یہ بڑا ایک اچیومنٹ ہے. سب سے بڑا ایڈیشن ہے اس وقت پی ایس ایل کا, یہ جو چوتھا ایڈیشن ہے, لیکن ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میرے دل میں سوال آیا کہ لاہور میں تین میچز تھے وہ منتقل کر دیے گئے کراچی میں, تو کتنا جو ہے وہ جھٹکا لگے گا اس جو وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تیار کہ ہم میچز دیکھیں گے, انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں ان سے ملیں گے, اب یہ سب منتقل کر دیا کراچی؟ نہیں دیکھیں, ایک چیز ہمیں تو دیکھنا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں, اور پھر وہ کلیئرنس اگر نہیں مل پا رہی ہے تو وہ بھی پرابلم ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے جو میچز کراچی میں شفٹ ہوئے ہیں
तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें यहाँ से दुबई भी बहुत से लोग गए हैं जिनकी जो क्रिकेट के लवर रहे, तो मैं समझता हूँ कि लाहौर से कराची आना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल चीज क्या है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और हमें जेल होकर हम तमाम लोगों को मिलकर इसको कामयाब भी करना है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा अचीवमेंट है, ये बड़ा अच्छा साइन है इस वक्त। और कराची की अगर हम बात करें तो कराची तो बड़ा सजा हुआ है और बड़े लोगों की बड़ी इस वक्त जो अचीवमेंट है, खासतौर पे मैं कहूंगा कि जो यंगस्टर हैं वो तो बड़े खुश हैं। लेकिन लाहौर की जो आप बात कर रहे हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर हैं, और उनको भी पता है कि ये एक मजबूरी के तहत ये शिफ्ट किया गया है, कोई ऐसी मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो होगा वो तो फिर पूरा पीएसएल ही पाकिस्तान में होगा, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर है। क्योंकि इस वक्त अगर साफ खैरियत से और अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से सही चीज तरीके से अगर ये मैच सारे हो जाते हैं ना, तो नेक्स्ट जो एडिशन होगा वो यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान में होगा, और फिर उसमें यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में पार्टिसिपेट भी करेंगे। चले कोई बात नहीं, तौफीक साहब मेरे जो लाहौरी बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो स्क्रीन लगा लेंगे, उसी तरह जोश और जज्बे के साथ देखेंगे मैच और सपोर्ट करेंगे अपनी फेवरेट टीम को। ये बताएं कि जिस तरह सीएम साहब ने कहा है, सीएम सिंध ने, कि लोगों से तावुन की अपील है, लोग तावुन करें हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है, एक तरह से पूरा पीएसएल यहां पर आ गया है, तमाम मैचेस कराची में हो रहे हैं, तो एक बड़ा चैलेंज है, लोग किस तरह से कॉपरेट कर सकते हैं, क्या हिदायत करेंगे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉपरेट करने का मसला ये है कि जो सिक्योरिटीज है हमारी, उस सिक्योरिटी के साथ आप तावुन करें, और जो उन्होंने रूट्स दिए हैं तो आवाम को चाहिए कि उस रूट को पूरा पूरे तरीके से तावन करें। और जो एरिया है, खासतौर पर अगर हम बात करें स्टेडियम का जो एरिया है, स्टेडियम के एरिया को जिन जिन जगहों से ब्लॉक किया गया है, हमारे शहरियों को, हमारे आवाम को चाहिए कि मुकम्मल तौर पे उसको पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मुकम्मल तौर पे उनका तावन करें, ये सबसे बड़ी बेहतरीन चीज होगी। तो और फिर जो हमारी सिक्योरिटी है वो जिस तरीके से वो सिक्योरिटी काम कर रही है उनको भी आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो तावन है, हमारे बींग ए शहरी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और मुख्तलिफ जगहों से जो लोग हैं, लोग आएंगे, मैं समझता हूँ जो उन्होंने वो शटल सर्विस शुरू की है, वो तमाम चीजें हैं, तो वो उसमें तावन करना बहुत जरूरी है आवाम का। और वो तावन इसी तरह से हो सकता है कि सिक्योरिटी के लोग जो कह रहे हो उसको फॉलो किया जाए। तौफीक साहब क्या समझते हैं नेशनल स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ, तमाम मैचेस हैं यहाँ पर, मुतमईन बख्श है यहाँ हालत? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त तरीके से इसको तैयार किया है स्टेडियम को, और बड़ा पुरौनक तरीके से बहुत ही खूबसूरती पैदा की गई है। और इसके जो अतराफ का जो इलाका है वो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाने का इरादा है इनका, और एक दो दिन के अंदर ये पूरा शहर जिस तरीके से जगमगाएगा, तो मैं समझता हूँ कि कराची के आवाम के लिए तो बहुत ही बड़ा तोहफा है ये। और आठ के आठ मैचेस जो ये कराची में हो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसका इसके लिए हमें मुकम्मल तौर पे तावुन करना है। और साफ खैरियत से हमारी दुआ ये है कि साफ खैरियत से ये पूरा टूर्नामेंट फाइनल तक हो जाए, और उसके इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे थे, कुछ मामला ऐसे हुए थे अभी गुज़िश्ता दिनों के, ये तमाम चीजें खत्म करने की, अमन को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। और ये मैं ये समझता हूँ कि तमाम क्रेडिट पाक फौज को जाता है कि उसने सिक्योरिटी सूरत हाल इस कदर मुतमईन बश बनाई है कि अब हम सुकून से बैठ के यहाँ पे मैचेस बराए रास्त देख सकते हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखें, पाकिस्तान की अगर हम फौज की बात करें और सिक्योरिटी की बात करें तो वो तो नंबर वन है, वो उनकी तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से रामवार की है इस पूरे मुल्क के लिए, और जो सिक्योरिटी के मामला को ठीक किया है वो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और जो जो इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ रोड़े अटकाए हैं, खासतौर पर मैं असल में सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आईसीसी में रुकावट डालने की कोशिश की, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को निकालने की कोशिश की है, तो उसकी मुंह की खानी पड़ी उन्हें। और वो अरे आईसीसी ने भी सिक्योरिटी इंतजाम को कहा है, इत्मीनान का इजहार किया है कराची में। जी जी नहीं नहीं, वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से हटाने के लिए उन्होंने एक दरखास्त पेश की थी आईसीसी को, उनकी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बिल्कुल टोटली मना कर दिया कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी टीम है, बड़ा नाम है उनका। तो ये तो अटकंडे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और नहीं ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ गीदड़ भपकियां थी, उन्होंने अभिनंदन भेजा था, हमने वापस भेज दिया कि भाई जाओ हमें पीएसएल खेलना है, हम सुकून से पीएसएल खेलेंगे। बल्कि आप अतराफ का इलाका देखें, वहां पे सेल्फी बूथ बनाया गया है, वहां पर पोस्टर्स लगाए हुए हैं, अगर आपने देखा हो, या आपने सेल्फी ली वहां जाके या नहीं ली? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये वो लोग हमारी आवाम जो है
वो तो एंजॉय कर रही है इस पूरी सिचुएशन से। मैं समझता हूँ कोई टेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, और पूरा सब शहर जो है, पूरा मुल्क खासतौर पर मैं कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान में, कराची में अगर मैच हो रहा है तो पाकिस्तान में मैच हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, और पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि पीएसएल को नाकाम बनाया जाए, और किसी बहुत से प्लेयरों को मना किया था, लास्ट मुझे याद है कई प्लेयर थे जिनको आखिरी मौके पे मना किया था कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन आज ही मैं समझता हूँ कि तमाम प्लेयर आ रहे हैं। सिर्फ डिविलियर्स का मसला आ गया है, क्योंकि वो उसकी वो इंजरी की वजह से आया है ना, इंजरी की वजह से जी। वो तो कह रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कराची में मैच खेलूं, क्योंकि उनके जो बड़े पुराने प्लेयर्स जो थे उन्होंने बड़ा जिक्र किया था कराची के माहौल का, कराची के हालात का, और कराची के जो खानों का, खासतौर पर मैं बता दूं बहुत बड़ा उनको एक कहना चाहिए कि उसने मिस किया। चले सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल। बहुत प्यारी गुफ्तगू हो चुकी है पीएसएल के ऊपर। जी नाज़रीन, कुछ भी कर लिया जाए पीएसएल तो हम खेलेंगे, जोश और जज्बा वही है, और कराची में तमाम मैचेस होने जा रहे हैं, फाइनल भी कराची में है, कराची वालों की खुशी जो है वो डबल हो चुकी है, और जो सेल्फी बूथ बनाया गया है वहां जाकर आप सेल्फीज भी ले सकते हैं, प्रमोट कीजिए और टॉप ट्रेंड्स में ले आए इसको सोशल मीडिया के ऊपर, पीएसएल फोर्थ एडिशन को, और गालिबन सबसे बड़ा एडिशन है, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां पर खेलना चाह रहे हैं। एबीडी विलियर्स ने भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। तमाम चीजें वाजे हो चुकी हैं, कुछ भी कर लिया जाए खेलेंगे तो हम, क्योंकि खेल ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरी कौम एक हो जाती है, और शायद आज भी एक ही है कौम। बहरहाल इम्तिहानी नतीज के हवाले से बात करूंगा। घपला किया गया और पकड़ लिया किया है तमाम चीजों को, और जो छापा मारा गया है, जो इंकशाफात किए गए बड़े हैरान कुन है, वो बताऊंगा मैं आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। तालीमी निज़ाम इम्तिहानी नतीज में घपला, जो इंकशाफात किए थे वो चीज़ें प्रूफ होती हुई नज़र आ रही हैं। एंटी करप्शन का छापा, चेयरमैन इंटर बोर्ड इनाम अहमद को भी शामिल तफ्तीश किया गया, उनसे सवालात किए गए, और साबिक कंट्रोलर को भी शामिल तफ्तीश किया गया, इनसे पूछा गया, क्योंकि इनकी इजाज़त के बगैर, इनके साइन के बगैर नंबर्स तब्दील नहीं किए जा सकते। इंकशाफ क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूँ। इंटर बोर्ड में जो तब्दीली की गई है, जो फेल स्टूडेंट्स थे, फेल होने वाले, उनको लाखों रुपए रिश्वत लेकर पास किया गया। अरे भाई, जब मैंने इंटर किया था तो अगर मुझे पता होता कि चेयरमैन साहब इतने हल्के हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ पैतरे आजमाता, कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से करता, लेकिन लाखों रुपए मैं तो नहीं दे सकता, बहरहाल एक आम इंसान भी नहीं दे सकता, तो आप ये रिश्वत लेकर जाना कहां चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? लेकिन एंटी करप्शन ने सवालात की बौछार लगा दी और भरमार कर दी, सवालात किए गए जिसमें फंस गए। अब जब किया है तो सामने आ गया, और बड़े इंकशाफात जो किए गए वो मैं बताऊंगा। अभी इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है सलमान सलीम, नुमाइंदा K21 न्यूज़। सलमान, ये बताइएगा, इनाम अहमद साहब चेयरमैन इंटर बोर्ड, इनको शामिल तफ्तीश किया गया है एंटी करप्शन की जानिब से, क्या पूछा गया इनसे? जी देखें बिलाल, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो छापा मारा गया था इंटर बोर्ड पे, जिसके बाद जो है वो कुछ अहम दस्तावेजात और कुछ अहम कॉपियां जो है वो तहवील में ले ली गई थी। जो हमारे पास इनकी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर तमाम तर नंबर लिखे गए हैं कि स्क्रूटनी से पहले नंबर क्या थे और स्क्रूटनी के बाद नंबर क्या है, इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो रद्दबदल की गई है। तकरीबन 22 नंबर लेने वाले बच्चे को जो है वो 70 मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। अगर ये बात होती है कि इन्होंने पैसे नहीं लिए तो हम इसको एक गफलत समझ सकते हैं कि पेपर जब हुए उसके बाद जब चेक किया गया तो जो है वो 22 नंबर दिए गए, लेकिन स्क्रूटनी के बाद जो है वो चेक किया गया तो 70 नंबर है। इसके अंदर भी जो है वो इंटर बोर्ड की एक नाअहली जो है वो बहुत बड़ी सामने आती है। लेकिन एंटी करप्शन जराए का ये कहना है कि जो अभी चेयरमैन है, जो कायम मुकाम चेयरमैन है इनाम अहमद, और जो इससे पहले जो कंट्रोलर थे नाजिम इम्तहाना थे अदीम अहमद, इन दोनों की मिली भगत से जो है भारी रिश्वत के एवज जो है पैसे लेकर ये बच्चों को जो है वो पास किया गया है। जी बड़े जबरदस्त फिगर्स मेरे सामने हैं इस वक्त सलमान, अंग्रेजी में नंबर लिए थे बच्चे ने 7 नंबर, उसको 70 नंबर दे दिए गए, रियाजी में 12 नंबर लिए थे 72 नंबर दे दिए गए, और फिर एक और बच्चे ने 37 नंबर लिए थे उसको 97 नंबर दे दिए गए, ये रेट क्या चल रहा है नंबर बढ़ाने का? देखिये बिलाल, जराए का कहना यह है कि पिछले साल तक जो है वो 75,000 रुपए पर पेपर रेट था, लेकिन अब जो इंटर बोर्ड के पेपर होने वाले हैं उसके अंदर जो है वो 1,00,000 रुपए पर पेपर की आवाजें जो है वो अभी से कानों में आना शुरू हो गई हैं।
ये बाअसर जो है वो अफसरान हैं इंटर बोर्ड के अंदर जिनकी मिली भगत से हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जाहिद लाखों जो है वो एक अफसर है इंटर बोर्ड के, जिनके पास जो है वो दो औहदे इस टाइम पे हैं, ऑडिट ऑफिसर भी वही हैं और अकाउंट ऑफिसर भी वही हैं उनकी, और इंटर बोर्ड के चेयरमैन इनाम अहमद की मिली भगत से जो है ये तमाम तर पेपर जो है वो क्लियर किए जा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर कोई आम बंदा इनके पास जाता है और इनको बोलता है कि मुझे जो है वो सर्टिफिकेट निकलवाना है, तो ये जो है अपनी ईमानदारी बिल्कुल इनकी उरूज पे चली जाती है, ये अथॉरिटी लेटर मांगते हैं, ये बंदे को बोलते हैं कि खुद आके जो है वो लोन। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो 3,000-3,000 रुपए में भी जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो दूसरे बंदे को जो है वो दिया जा रहा है। तकरीबन इंटर बोर्ड की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो इंटर बोर्ड का निज़ाम जो है वो दरम भरम हुआ है। इससे पहले जो चेयरमैन सलमान, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये किसी के मातहत आते हैं, वो लोग कहाँ पर हैं, क्यों खामोश बैठे हुए? देखिए मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन तमाम बोर्ड की जो है वो अभी मुंतकली का जो है वो फैसला भी किया जा रहा है, सिंध हुकूमत को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि ये अभी जो है इसको वफाक जो है वो वफाक के सुपुर्द अभी ये इदारा किया गया है, लेकिन अब जो है वो सिंध हुकूमत के जो है वो मातहत कर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी जो है वो बड़ी आवाजें सुनने में आ रही हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो दस्तावेजात शो हो रहे हैं ये इस चीज का वाज़ह सबूत है कि अगर इंटर बोर्ड के चेयरमैन इनाम अहमद ये बात अपना मौकिफ रखते हैं कि हमने पैसे नहीं लिए, तब भी जो है वो इंटर बोर्ड के जो टीचर हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी नाअहली इसके ऊपर साबित होती है कि 22 मार्क्स लेने के बाद, स्क्रूटनी करवाने के बाद 72 मार्क्स जो है वो किस तरह आ सकते हैं, ये समझ से बाहर है। इंटर बोर्ड का जो है वो निजाम बिल्कुल धरम भरम हुआ। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान हमें इस हवाले से ब्रीफ करने के लिए। नाजरीन, मामला सामने है, इम्तिहानी मामलात के अंदर जिस तरह से घपला किया गया, हेरफेर की गई, वो सामने है चीजें। मैंने बताया ना कि 22 फरवरी को इंकशाफ हुआ था कि रिजल्ट्स तब्दील किए गए हैं और ये तमाम चीजें वाजे हो चुकी हैं। लाखों रुपए रिश्वत लेने के इंकशाफात किए गए हैं एंटी करप्शन जराए के मुताबिक। वो तो ये कह रही है कि भाई आपने पैसे लिए हैं और ये नतीजे तब्दील किए हैं, नंबर्स बढ़ाए गए हैं। किसी बच्चे ने 4 मार्क्स लिए तो उसको 67 मार्क्स दे के पास कर दिया, किसी ने 7 मार्क्स लिए तो उसे 70 नंबर दे दिए। कितने पैसे लिए गए हैं, क्या इंकशाफात हैं, तमाम चीजें वाजे हो जाएंगी। बहुत सारे जो है वो जराए हमें बता रहे हैं। बहरहाल चेयरमैन इंटरपोर्ट इनाम अहमद साहब, जिनके हवाले से अभी हम काफी देर से बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस सूरत हाल में हमें वक्त दिया। ये बताएं सर, एंटी करप्शन ने आपके ऊपर जिस तरह से सवालात की बौछार लगा दी है और ये कहा जा रहा है कि रिश्वत लेकर तमाम चीजें तब्दील की गई, छापा मारा, क्या वजह थी छापा मारने की? देखें, एक तो ये जो अभी आपने प्रोग्राम शुरू किया और शुरू में जो बातें की है ना, ये टोटली झूठ आपने इसके अंदर बोला है मीडिया के ऊपर, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है ये। सर मैंने 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 अपने प्रोग्राम में जराए इंकशाफात का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने कोई तोहमत नहीं लगाई, मैंने जराए का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुई एक चीज, तो मैंने आपको इसीलिए लाइन पे लिया। साबित करके दिखाए ना किससे लाख रुपए लिए, किससे 2 लाख लिए, आप साबित क्यों नहीं करते ये बातें? मैंने आपको लाइन पे इसीलिए लिया ताकि आप अपना मौका बताएं। मैं अपना मौका बता रहा हूँ, ये सब झूठ चला रहे हैं मीडिया, ये मीडिया का एक मखसूस ग्रुप है जो इंटर बोर्ड कराची को बदनाम कर रहा है। हालांकि इस वक्त इंटर बोर्ड कराची बहुत अच्छी पोजीशन में है, यहाँ तमाम करप्शन खत्म हो चुकी है। अच्छा, ये एंटी करप्शन को ख्याल कैसे आ गया छापा मारने का, क्यों मारा छापा? भाई एंटी करप्शन 2015 से मुसलसल छापे लगा रही है, एंटी करप्शन कोई आज पहली दफा नहीं आई है यहाँ पर मेरे बोर्ड में। 2015 से 16 में छापा लगा, फिर बीच में ये आए, फिर अभी फिर आए, तो ये छापे तो आपको पता है कि क्यों लग रहे हैं ये, कि यहाँ से करप्शन बंद हो गई है बिल्कुल। तो ये जो कॉपियों में कॉपीज के अंदर नंबर बढ़ाए हैं, फिर ये किस तरह बढ़े हैं? स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है, ठीक है, हमारा पूरा पूरे पूरे पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में होता है, ये कैम्ब्रिज सिस्टम में होता है। स्क्रूटनी के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, अगर कोई गलती होती है रिटोटलिंग में गलती होती है वो कॉपीज तहवील में ली गई है। वो ये कह रहे हैं 7 नंबर वाला बच्चा स्क्रूटनी के बाद 70 पे कैसे पहुंच गया? भाई ये पोस्टिंग मिस्टेक होती है, जब डेटा फीड किया जाता इतनी, है इतनी कॉपीज में मिस्टेक, मेरे पास तो लंबी लिस्ट पड़ी हुई है। नहीं नहीं बिल्कुल होती है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सब लीगल वे में हुआ है, कानूनी तौर पे कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है, ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है बोर्ड के अंदर। हमारा रिपोर्टर तो जराए के मुताबिक सॉरी टू से सर माजरत के साथ बड़े बड़े उसने बड़े इंकशाफात किए, रेट लग रहा है 1 लाख रुपए एक कॉपी के ऊपर आ रही है, बातें उड़ती हुई नजर आ रही है। अरे तो भाई किसी भाई को किसी को मीडिया पे लेके तो आओ, तस्वीर को दिखाओ जिसने 1 लाख रुपए दे के मार्क्स लिए, आप एक बंदे को भी नहीं दिखा रहे।
आप तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं कि एंटी करप्शन ने आपको तहवील में लिया, आपसे सवालात किए, साबिक कंट्रोलर को शामिल किया तफ्तीश में, एक लंबा इंटरोगेशन का प्रोसेस चलता रहा, वो सब क्या था? इस बात को साबित कर दें कि एंटी करप्शन ने मुझसे पूछताछ की है तो मैं जो सजा भुगतने को तैयार हूँ। मतलब आपसे कोई सवाल नहीं किया गया? नहीं जी, कोई सवाल नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया, झूठ है, झूठा। मतलब कोई करप्शन नहीं इंटरपोर्ट के अंदर, तमाम मामला साफ है, बिल्कुल साफ है, सब बिल्कुल साफ है, यहाँ कोई करप्शन नहीं है। आप फिर इसके ऊपर जो इंकशाफात होंगे, फिर आपको फेस टू फेस बिठा के मीडिया के सामने तमाम चीजें वाजे कर दी जाएंगी? भाई देखे, जिन लोगों की दुकानें बनी हुई है ना, जो जो मुफ्त में जो आके बड़े बड़े काम कराते थे, जो जो मीडिया ग्रुप के लोग इन्वॉल्व थे, मतलब आपका कहने का मतलब पिछले दौर में होती रही ये चीजें? जी बिल्कुल होती थी ये, आपके दौर में कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये 2016 से पहले का रिकॉर्ड उठा के देखें आप लोग। फिर ये एंटी करप्शन क्यों कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है? करा लें, हमारे ऊपर तो पहले ही मेरे आदेश है। एंटी करप्शन इतनी जिम्मेदारी से ये बातें क्यों कह रहे हैं आप? तो कह रहे करप्शन नहीं है, एंटी करप्शन कह रहे करप्शन है। इस चीज की गैर जिम्मेदाराना, इसकी जो है ना तहकीकात होनी चाहिए गैर जानबदाराना, की ये यहाँ करप्शन हुई है या नहीं हुई है। तो अभी तक गैर जानबदाराना तहकीकात नहीं हो रही? नहीं, हम नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जानबदारी से हो रही है? बिल्कुल, हम ये कहेंगे जानबदारी से हो रही है इसमें। तो हम हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार है। चले आप मुझे बताएं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है, इंटरपोल बिल्कुल सफाई से काम कर रहा है, कोई करप्शन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल कोई हेर फेर नहीं है। कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, नहीं है करप्शन। ये सब हर बच्चा अपने पेपर खुद देता है। मखसूस मीडिया, देखिए एक मखसूस मीडिया ग्रुप के लोग हैं जो ये डिफेंड कर रहे हैं बोर्ड को, आज से नहीं कर रहे, ढाई साल से कर रहे हैं, गुज़िश्ता ढाई साल से। मैं तो थक जाता हूँ डिफेंड करते करते, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इदारों को, लेकिन जहां गलती होती है, गफलत होती है, वो फेस भी तो दिखाना है ना। आप उन लोगों को सामने लाए ना जिन्होंने पैसे दिए हैं, क्यों नहीं लाते आप सामने उन लोगों को? सर आप चेयरमैन हैं, अगर आपकी नाक के नीचे बैठ के कोई काम हो रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है पकड़ने की या एहतसाब करने की? मैं कह रहा हूँ कि आप उन लोगों को सामने तो लाए जिन्होंने पैसे दिए, किसी एक को तो लेकर आए ना, पता तो चले कि कौन है पैसे देने वाला। और अगर सामने ले आए और प्रूफ हो गई ये चीजें तो फिर क्या होगा? हम जिम्मेदार हैं इसके, इस्तीफा दे देंगे हम, जो भी होगा हम करेंगे, पहले साबित करें इस बात को। चले ठीक है ना, ऐसा बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए, इस नाजुक सूरत हाल में वक्त निकाला, बड़ी बात है। मामला तो इनाम साहब कह रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं है, मामला साफ सुथरे चल रहे हैं, कोई बच्चा पेपर घर बैठकर नहीं देता, कोई ये चीजें आउट नहीं होती, कोई रेट नहीं लग रहा है, ये वक्त बता देगा। इंकशाफात हो चुके हैं, जराए बता रहे हैं तमाम चीजें, और हम किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाते, किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, जो जराए बता रहे होते हैं उसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाती है, जब प्रूफ हो जाती है तो लाके चीजें सामने वाजे कर देते हैं, और जब नहीं होती है प्रूफ तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। इनाम अहमद साहब के ऊपर जो इंकशाफात किए गए थे, उनको आज प्रोग्राम में लेने का मकसद यही था कि उनका मौकफ जाना जाए, इस इदारे के हवाले से बातें सामने आए। ये बातें बताई जा रही हैं कि पैसे लेकर नंबर बढ़ाए जाते हैं, अगर नंबर नहीं बढ़ाए जाते, स्क्रूटनी की गई है, 7 नंबर वाला 70 नंबर पर कैसे पहुंच गया, 6 नंबर वाला 67 नंबर पर कैसे पहुंच गया, इतनी गफलत बरती गई थी क्या इंटरपोर्ट की जानिब से, तमाम चीजें वाजे हैं। बहरहाल अली रजा आब्दी के कातिल CTD के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, अच्छी खबर है, मामला है क्या डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजीन, अच्छी खबर है, मैं और मेरा प्रोड्यूसर इस वक्त ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे कि अली रजा आब्दी के कातिल CTD के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए इन इदारों को। और बताया जा रहा है कि 4 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं, 3 अभी मफरूर हैं, और इनका ताल्लुक MQM लंदन से बताया जा रहा है। बहुत सारे इंकशाफात भी किए गए हैं, जो असलहा इस्तेमाल हुआ था इस कत्ल के अंदर वो मैच कर चुका है, लियाकताबाद में एहतशाम के कत्ल से मैच हुआ है, मुमासला देखी जा रही है, सिमिलैरिटीज देखी जा रही हैं, अब बड़े सारे इंकशाफात हुए। पहले इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज अकरम कुरैशी मौजूद हैं। अकरम बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अकरम ये बताएं, CTD ने कार्रवाई की है, SSP CTD नवीद ख्वाजा ने बहुत सारे इंकशाफात भी किए हैं, ये जो 4 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं, ताल्लुक इनका MQM लंदन से? बिलाल जी बिल्कुल, आपको मैं सबसे पहले एक चीज करेक्शन करा दूं, ये जो गिरफ्तार मुलजिमान है ये इनका ताल्लुक लियारी गैंगवार उस्ताद ताजू इलाकों ग्रुप से है, और जो बताया जाता है कि इनकी जो सुपारी है वो MQM लंदन के थ्रू इन तक गई है, और ये जो मुलजिमान है जो शूटर है जिन्होंने
इस वो कार्रवाई में मुलव्वस है और ये काम किया, उनका ताल्लुक लियारी गैंगवार से है। टोटल 8 ये मुलजिमान थे जिसमें से 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें फारूक, हसीब, गजाली और दानिश शामिल हैं। ये वो 4 मुलजिमान हैं जो कि इस केस में मुलव्वस थे, सुपारी के पैसे लिए इन्होंने और उसके बाद बाकायदा ये काम किया रेकी की। जबकि इसमें जो 4 अहम मुलजिमान हैं, सबसे पहले जाई शूटर है जो कि अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका, जो कि अपने साथियों समेत हुसैन, बिलाल शूटर, मुस्तफ़ा और काली चिरन, उसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वो 4 मुलजिमान हैं जो कि ईरान फरार हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये एक सियासी तनाजा था जो कि सुपारी किलिंग की गई है, इनको पैसे लेके कत्ल किया गया है। बाकायदा इस वाकई की जो सुपारी थी 50 लाख रुपए वो साउथ अफ्रीका से उस्ताद ताजू ने यहाँ कलियारी में के गैंगस्टर वसी लाखों को दी और उसके बाद वसी लाखों ने अपने जो कमांडर हैं जाई शूटर उनके थ्रू ये काम कराया। शूटर जो गिरफ्तार हुए 4 उनमें उन्होंने दौरान तफ्तीश यही इंकशाफ किया है कि जी आया हमने 35 से 30 हजार रुपए वसूल किए और ये हमने काम किया। मतलब जो स्टार्टिंग में बातें की जा रही थी 25 दिसंबर को ये वाकया हुआ था कि किराए के कातिल इस्तेमाल किए गए, वो बात सच साबित हो गई है। ये बिल्कुल किराए के कातिल है जिसको सुपारी किलिंग आप कह सकते हैं, अंडरवर्ल्ड का इनसे ताल्लुक है। अंडरवर्ल्ड ने इनकी सुपारी ली 50 लाख रुपए, जिसके बाद बाकायदा ये यहाँ आकर 30 से 35 हजार रुपए शूटर्स ने वसूल किए। 4 ये लड़के थे जिसमें 4 अभी तक फरार है। टोटल 8 लड़कों का ये ग्रुप था जिन्होंने ये काम किया। 4 की तलाश में अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। जाई शूटर नामी टारगेट किलर था लियारी गैंगवार का, जिसने ये बाकायदा उनसे 15 लाख रुपए वसूल किए, जबकि जिस मुलजिम ने इन्हें 50 लाख रुपए सुपारी थी वहां से 15 लाख रुपए जाहिद को मिले। जाहिद ने 35 हजार रुपए इन शूटरों को दिए जो कि सीटीडी के हाथों गिरफ्तार है। उसके बाद जो जाहिद शूटर था वो अपने साथियों समेत ईरान फरार हो गया। आया उन्हें पता था कि इस तरह ये मुलजिमान गिरफ्तार होंगे तो उनके नाम। अच्छा, अली रजा आब्दी के हवाले से ये कि बड़ा एक्टिव थे सोशल मीडिया के ऊपर और जो ट्वीट्स किया करते थे उसमें एमक्यूएम लंदन के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आती, तो ये वही दुश्मनी सामने आई है। ये बिल्कुल बिलाल, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा थे अली रजा आब्दी, उनका शुमार एमक्यूएम के अच्छे रहनुमा में होता है और एक इंसानियत वाली शख्सियत थी, जिनकी वाकई के बाद हर आंख अश्तबार थी कि आया इतना इंसानियत पसंद आदमी को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। मगर उसमें एक अहम बात यह कि इस वाकई की जो है वो कड़ी सुलझ गई है, जिसमें 4 मुलजिमान बाकायदा गिरफ्तार हो गए हैं, मजीद भी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उसमें सबसे अहम बात यह थी कि ये जो कार्रवाई की गई है फिलहाल, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से की गई थी, जो खुफिया इदारे हैं IB जिसे कहा जाता है, उनकी ये टेक्निकल टीम थी जिन्होंने जियो फिक्सिंग के जरिए इन मुलजिमान का सुराग लगाया, फिर उन्हें गिरफ्तार किया और CTD की मदद से उन्होंने ये तमाम दर कार्रवाइयां मुकम्मल। अच्छा, CTD ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को जाता है। अकरम, CTD ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एमक्यूएम लंदन की जानिब से धमकियां भी दी जा रही है। ये बिल्कुल, ये जराए का दावा है कि एमक्यूएम लंदन की जानिब से धमकियां दी जा रही थी या उस वाकये में जी किसी भी ना किसी तरह उसमें मुलविस भी करार दिया जा सकता है, क्योंकि यह काम लियारी गैंगवार के थ्रू कराया गया है और लियारी गैंगवार ने इसकी सुपारी ली थी। मगर अब तक CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बाकायदा एमकेएम लंदन का जिक्र नहीं किया गया, उनको ये कहा गया कि सुपारी लेकर कत्ल किया गया, मगर अब तक भी CTD जो है वो तफ्तीश के दौरान इस मौके पर इस तक नहीं पहुंच सकी है कि आया ये सुपारी दी किसने दी, किस जो अहम जो दहशतगर्द थे जिन्होंने ये काम करवाया, जिसने अली रजा आब्दी की सुपारी दी, वो कौन से अनासिर थे, वो कौन से शरपसंद अनासिर थे, या वो उनके सियासी चप्पलिश रखने वाले जो साथी होते हैं या कोई इनके दीगर पुराने दोस्त होते हैं, कौन से वो अनासिर है अब तक वो सामने नहीं आ सके। मगर अच्छा, जैसे ये कड़ियां जाती हुई एमक्यूएम लंदन से मिल रही हैं, कराची में और भी वाकयात हुए हैं गुज़िश्ता महीनों में दहशतगर्दी के, उसमें भी लियारी गैंगवार के कुछ एक ग्रोह था उसके कारिंदे पकड़े गए थे, अभी भी ये बताया जा रहा है कि लियारी एक ग्रोह है उसको इस्तेमाल किया गया है, तो एमक्यूएम लंदन इस वक्त मुतहरिक नजर आ रही है अमन खराब करने में। ये बिल्कुल बिलाल, एमक्यूएम लंदन की अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े वाकयात रोनुमा हुए हैं जिसमें एमक्यूएम लंदन के बाकायदा बराह रास्त मुलविस पाए गए हैं और उस पूरे नेटवर्क को रेंजर्स की जानिब से पकड़ भी लिया गया है। उसमें 9 से ज्यादा मुलजिमान थे जो कि शहर में अफरा तफरी फैला रहे थे। सबसे पहले PS रिजविया थाने की हदूद में PSP के दफ्तर पर फायरिंग की गई थी, वहां पर 3 से 4 लोगों को गोलियां मारी गई। उसके बाद न्यू कराची में एक PSP के कारकुन के दफ्तर में घुसकर वहां पर कार्रवाई की गई, एक एमक्यूएम के कारकुन को कत्ल किया गया, जबकि एक गुलिस्तान जौहर में कोई प्रोग्राम था वहां पर बम ब्लास्ट किया गया, जी मिलाद की महफिल थी उस पर टारगेट था। जी बिल्कुल, जिसमें फारूक सत्तार, आमिर खान ये तमाम लोग टारगेट थे। ये बात मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश बताई कि जी आया ये सलीम बेल्जियम नामी एक एमक्यूएम लंदन का शूटर था जिसका ताल्लुक डायरेक्ट
लंदन से था और वो डायरेक्ट उनके जो कायदे उनसे रबते में था और बाकायदा ये पूरा सिस्टम चला रहे थे कराची में। नौ रुकनीय ग्रुप था जो कि शहर में अफरा तफरी फैला रहा था, जिसमें बम ब्लास्ट ले लें, तीन से चार जो उनके मुखालिफ सियासी जमातें एम के एम पाकिस्तान है, पी एस पी है, उनके दफातर पर हमले किए गए, उसमें हलाकते भी हुई, जख्मी भी लोग हुए। ये जो सिस्टम था वो पूरा रेंजर्स ने पकड़ा, जिसमें नौ मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और वो बाकायदा सलीम बेल्जियम के रास्ते में से दूसरी जाने। सलीम बेल्जियम की मैं डिटेल आपको बताऊं, ये एमकेएम लंदन का शूटर है जो कि गिरफ्तार होकर जेल से आने के बाद बाकायदा बैरून मुल्क फरार हो गया और वहां से बैठकर ये टोटल तमाम मामला की मॉनिटरिंग कर रहा था। उनके जो कारिंदे थे वो नॉर्थ सेंट्रल लियाकताबाद इन इलाकों में रुपोश थे और बाकायदा रेंजर्स ने बड़े मुनजम नेटवर्क को पकड़ा और उनको गिरफ्तार किया और बाकायदा कर्नल रेंजर्स के कर्नल की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें ये तमाम चीजें वाजे तौर पर बताई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो उनके अगले हदफ थे वो उनके मुखालफिन सियासी जमात के रहनुमा थे, जिनमें सबसे पहले सर फहरिस्त फारूक सत्तार का नाम था। जी कर्नल फैसल ने इस हवाले से ब्रीफ किया था गालिबन, तो अकरम कुरैशी बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से हमें जो आगफिलास से। अली रजा आब्दी के कातिल सी टी डी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, चार मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं, तीन अभी भी मफरूर हैं। बताया जा रहा है कि एमकेएम लंदन तमाम चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है और ये लियारी गैंग वॉर को इस्तेमाल किया गया, जो शुरू में एक टर्म यूज़ की जा रही थी कि किराए के कातिल हैं। बताया ये गया है कि सुपारी दी गई थी, पैसे दिए गए इस काम को करने के लिए और एतराफ़ करते हुए नजर आए हैं ये, और एक अच्छी कार्रवाई है कि पकड़ लिया गया है इनको। कहा यह जाता है कि कत्ल कर देते हैं, नामालूम अफराद आते हैं और दहशतगर्दी करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उन्हें सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि इसी तरह तेज़ी से ये कार्रवाइयाँ करते रहें। बहरहाल ये जो पकड़ लिए गए हैं, अब जो रह गए हैं उन्हें भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हो चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपने अपना फीडबैक जरूर देना है, आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।